बिग बॉस 13 में आज होगी वीकेंड के वार की शूटिंग, जहां सलमान खान एविक्ट करेंगे किसी एक कंटेस्टेंट को। तो चलिए देखते हैं किसे सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं और कौन बॉटम में जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, इस हफ्ते नॉमिनेशन से सेफ है सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। तो चलिए जानते हैं नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की पोजीशंस। जनता के सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं आसिम रियाज को, जिन्हें टोटल वोटिंग्स में से 35% से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं रश्मि देसाई को, जो टोटल वोटिंग्स के 30% से ज्यादा है। फिर आते हैं पारस छाबरा, जिन्हें जनता के टोटल वोटिंग्स में से 15% तक वोट्स मिल रहे हैं। इसके बाद टोटल वोटिंग्स के 7-8% वोट मिल रहे हैं विशाल सिंह को, जो पिछले हफ्ते बॉटम में थे। फिर बात करते हैं आरती सिंह की, जिन्हें जनता के टोटल वोटिंग्स में से 5% वोट्स मिल रहे हैं, और जिसे कल तक सबसे कम वोट्स मिल रहे थे जनता के, वो आज एक पायदान ऊपर आकर टोटल वोटिंग्स के 3% वोट्स ले रही है। तो जनता के सबसे कम वोट्स यानी कि टोटल वोटिंग के सिर्फ 2% वोट्स मिल रहे हैं शेफाली जरीवाला को। इसका मतलब साफ है कि इस वीकेंड में घर से एविक्ट हो सकती है शेफाली जरीवाला। और बॉटम टू में देखा जाए तो शेफाली और माहिरा में ज्यादा वोट्स का अंतर नहीं है। चांसेस माहिरा के भी बनते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मेकर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें ज्यादा कंटेंट किससे मिल रहा है। तो वोटिंग पे ज्यादा डिपेंड ना करते हुए मेकर्स निकाल सकते हैं शेफाली जरीवाला या फिर विशाल सिंह को भी, या फिर ये भी हो सकता है कि टीआरपी की ज्यादा लालच में किसी को भी एविक्ट ना किया जाए इस वीकेंड। लेकिन अगर जनता की दिली ख्वाहिश देखी जाए तो वे सबसे पहले माहिरा को देखना चाहेंगे इस घर से बाहर। तो व्यूअर्स प्लीज कमेंट करके बताइए कि इस वीकेंड आप किसे एविक्ट होते देखना चाहते हैं इस घर से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।